जय श्री राम, आई एम पूर्वा एंड वेलकम बैक। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं हिमाचल गई थी। आई होप आपने पूरी सीरीज देखी होगी, और नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको, आप पूरी सीरीज देख सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, कैसे घूमी, और हिस्ट्री भी मैंने बताई है। तो आपको वीडियोस जरूर से देखना, और क्या क्या आउटफिट्स मैंने पहने, कैसे मैंने उनको स्टाइल किया, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी डिटेल्स के साथ में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली आई वांटेड टू शेयर सम टिप्स विद यू गाइस कि इफ यू आर गोइंग टू एनी वेयर, लाइक आप एनी ट्रिप पे जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो लुक्स वहां पर पहनने वाले हो, जो कपड़े आप वहां पर पहनने वाले हो, वहां पे आप क्या पहनने वाले हो, वो पहले से ही घर से ही डिसाइड करके जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लुक डिसाइड करने में, बट वहां जाके आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बहुत ज्यादा मैस हो जाता है वहां पे जाके, क्योंकि हम तो बस यहाँ से सोच के चले जाते हैं कि हाँ इसके साथ में ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी इमेजिनेशन होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो क्योंकि हम ही सोच लेते कि हाँ अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन उस टाइम पे या फिर हम वो चीज को अगर पहनते हैं तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाती है। तो इससे बेटर है कि आप पहले से लुक डिसाइड कर लो। मैं हर बार यही करती हूँ कि अगर मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ तो मैं पहले से लुक डिसाइड कर लेती हूँ। आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा कि मैंने कुछ कुछ लुक्स डिसाइड किए थे, ऑलमोस्ट सारे ही मैं करके गई थी, लेकिन हिमाचल जाने से पहले एक दिन हम लोग ने दिल्ली में शॉपिंग करी थी, तो वहां से भी मैंने कुछ टॉप्स वगैरह लिए थे, तो वो भी मैंने वहां पे पहने थे। तो जो मैं यहाँ से लुक्स डिसाइड करके गई थी वो तो मैंने पहने ही हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और वहां जगह क्या होता है ना कि फिर आपका माइंड, मतलब मूड खराब होने लगता है कि यार ये इसके साथ में ये नहीं जम रहा, ये नहीं जम रहा। आप घर पर लुक डिसाइड करोगे तो आपके पास में टाइम होता है और आपके पास में ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं कि यार अगर इसके साथ में ये चीज नहीं अच्छी लग रही है तो मैं दूसरी चीज इसके साथ में ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप एक बार घर से निकल चुके हो तो वहां पे आपके पास में ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, जो आप लेके गए हो वही ऑप्शंस आपके पास में रहते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप घर से ही लुक डिसाइड कर लो और फिर आप ट्रिप के लिए जाओ। टुडे इज द फर्स्ट डे, आज मैं मैक्लोडगंज में हूँ, तो मैंने पहनी है ये ऑरेंज चेकर्ड स्कर्ट जो मैंने खुद स्टिच की थी, एंड ऑफ वाइट पुलोवर ठंडी से बचने के लिए, दो इतनी ठंडी थी नहीं वहाँ। एंड टू कंप्लीट द लुक आई टुक दिस ब्लैक स्लिंग बैग एंड ग्लासेस जो कि ट्रैवलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड लास्टली वाइट शूज। आते हैं सेकेंड लुक पर, जो मैंने धर्मशाला में ही पहना है। यहाँ से मैं जाने वाली हूँ HPCA स्टेडियम, उसके बाद मैं जाऊँगी बिरबिलिंग। सो फॉर दिस लुक आई एम वेयरिंग अ पुलोवर विथ स्किनी फिट जीन्स एंड ब्लैक थाई हाई बूट्स, और एक छोटू सा बैकपैक लिया है मैंने अपना खजाना रखने के लिए। अब मैं आ चुकी हूँ बिर, तो यहाँ मैंने बूट्स को रिप्लेस करके स्लीपर पहनी है ताकि वॉकिंग में मुझे कम्फर्टेबल हो, और सिंपल सा फुल स्लीव शर्ट डाल लिया है ताकि ज़्यादा ठंडी भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे, और वही बैकपैक तो है ही साथ में। सी लोकेशन पे जा रहे हो, क्योंकि आप अगर कहीं पे जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हिमाचल जा रहे थे तो हमारे पास में पूरी आइटिनरी थी कि हम कौन कौन सी प्लेस पर जाने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा फोरकास्ट देख लिया था वेदर का कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर होने वाला है, कहाँ पे ठंडी होगी, तो उस हिसाब से हमने कपड़े रखे थे। तो मैंने डे वाइज डिसाइड कर लिया था कि इस डे में मैं ये वाला आउटफिट पहनने वाली हूँ। अगर मैं हिमाचल में हूँ धर्मशाला में तो वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ठंडी होगी, तो उस टाइम पे इसलिए मैंने पुलओवर रख लिया था। फिर जब हम बेर जा रहे थे तब मैंने पुलओवर के साथ में बूट्स पहने हुए हैं, तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखें। दिस इज माय फोर्थ लुक फॉर बॉनफायर एंड डीजे पार्टी, इन विच आई वोर अ नेवी ब्लू हाई नेक विद डेनिम शॉर्ट्स, एंड लुक को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने लिया है स्काई ब्लू मफलर, एंड वॉच के साथ में मैंने पहने हैं कुछ ब्रेसलेट्स एंड वही वाइट शूज। नेक्स्ट डे मैं बिर से आ गई हूँ मनाली, 5-6 आवर्स की जर्नी थी, और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मॉल रोड जाने के लिए। एंड गेस वॉट, फाइनली यहाँ पर थोड़ी ठंडी थी तो आई वॉज एबल टू वेयर दिस कोट, एंड इसको मैंने टाइट्स के साथ में पहना है और वाइट बूट्स पहने हैं। सो आई एम रेडी,
ये मैंने जो कोट पहना है ये मैंने पालिका मार्केट से लिया था, और ये टाइट्स मैंने इंदौर में ही लोकल शॉप से ली थी। उसके बाद में जो बूट्स है दीज आर फ्रॉम SSS, और ये बैग है ये मैंने ये भी इंदौर से लिया था। और ये नेकलेस पहना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो मैंने शीन से लिया था। और ये रिंग्स पहनी है, ये भी एक शीन की है और एक ऐसे लोकल शॉप की है। एंड यस, दिस इज माई लुक। नेक्स्ट डे आज मैं जाने वाली हूँ सोलांग वैली, जिसके लिए मैंने पहनी है शर्ट और रिप्ड जीन्स। बर्फ़ में जाना है, ठंडी है ऊपर, इसलिए शर्ट के साथ में मैंने हाईनेक पहना है। और अभी हमको ऊपर जाना है बर्फ़ में, और उसके लिए हमें स्नो ड्रेस भी पहनना थी। दैट्स वाई आई वोर दिस जीन्स, क्योंकि अगर मैं स्कर्ट पहनती या मैं ड्रेस पहनती तो वो स्नो ड्रेस के साथ कम्फर्टेबल नहीं होती, तो इसीलिए मैंने जीन्स पहनी है। एंड टू कॉम्प्लीमेंट द गोल्डन लाइन्स इन द शर्ट आई वोर दिस गोल्डन नेक पीस। दिस इज सोलांग वैली, और यहाँ पर मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की है। आउटफिट्स एंड बूट्स साइज के अकॉर्डिंग मिलते हैं रेंट पर, बट या बिनियन ग्लासेस आर माइन। सोलांग वैली से आने के बाद में अब होने वाली है डीजे पार्टी। सो दिस इज माई सेकेंड लास्ट लुक इन विच आई वोर दिस ब्यूटिफुल ड्रेस, और इसमें ब्लैक बटन्स हैं जिनको बैलेंस करने के लिए मैंने पहनी है ब्लैक वॉच प्लस इयररिंग्स, एंड वाइट शूज के साथ में मैंने ब्लैक सॉक्स पहने। एंड लास्टली आई बोरोड दिस स्कार्फ फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड टू कम्प्लीट द लुक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट लुक, और ये मैं घर से डिसाइड करके नहीं गई थी। ये स्कर्ट मैं किसी और टॉप के साथ में पहनना चाह रही थी, बट ये स्कर्ट मेरे पास में ऑप्शन था, और ये जो टॉप मैंने पहना है ये मैंने दिल्ली से ही लिया था। तो एक दिन पहले ही मैंने रात को ट्राई किया, इसको ट्राई करते देखते कैसा लगता, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जिस प्लेस पे मैं गई थी वहां पर तो मतलब ऐसा लगता ना था कि बस ये ड्रेस और ये प्लेस दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लुक कैसा लगा, बिकॉज यू नो हेयर स्टाइल भी जो मैंने की है वो भी मैंने की थी उसी टाइम पे, क्योंकि पहले से कुछ और डिसाइड किया हुआ था लेकिन टाइम नहीं था इतना। तो ये वाली जो हेयर स्टाइल है बहुत जल्दी भी बन गई थी, तो मैंने ये वाली हेयर स्टाइल की थी। और जब मैं पार्वती वैली रिवर के पास में गई थी तब मैंने बाल ओपन कर लिए थे, तो तब की फोटोज भी बहुत प्यारी आई है। पूरा आउटफिट उस जगह के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, आप खुद ही देख लो। मैं थोड़ा सा फुटवेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। फुटवेयर्स मैं ज़्यादा नहीं लेकर गई थी, फुटवेयर्स मैंने ऐसे रखे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटफिट के साथ में चले जाए। तो मैंने दो बूट्स रखे थे और एक रखे थे वाइट शूज़। वाइट शूज़ एक ऐसा ऑप्शन है जो हर आउटफिट के साथ में चले जाता है, और इसका प्रूफ भी आपको पूरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि मैंने कितने सारे आउटफिट्स के साथ में वाइट शूज़ पहने हैं। That is it for this video. I hope you guys enjoyed watching this video, and let me know your favorite look in the comment section below. And I hope इस वीडियो से आपको स्टाइलिंग टिप्स मिली होगी और भी कुछ कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।